जी नाजीर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भागो वाली गाँव में, जो कि जिला नगाँ की हदूद में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है परवाज़ फाउंडेशन की जानिब से, जहाँ पर फ्री मेडिसिन दी जाती है, फ्री चेकअप किया जाता है। और यहाँ पर जो मेडिसिन दी जाती है वो तकरीबन 3 से 4 दिनों की दी जाती है। परवाज़ फाउंडेशन के जो फाउंडर और चेयरमैन हैं प्रवेश अख्तर कल्याण साहब, वो भी साथ हैं, और साथ साथ उनकी जो डॉक्टर्स की, जो सीनियर डॉक्टर्स की जो टीम है, वो भी साथ मौजूद है। और यहाँ पर जो लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर ये कैंप यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगाया गया है। और ये परवाज़ फाउंडेशन जो है वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाती है, जहाँ पर सरकारी तौर पर हॉस्पिटल काफ़ी दूर जगह पर होते हैं और जहाँ पर लोगों की रसाई नहीं होती। ये नंगां शहर तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर गाँव है एक, जहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर चेकअप कर रहे हैं फ्री मेडिकल कैंप के अंदर। और मैं यहाँ पर जो टीम है फ्री मेडिकल कैंप की, उनसे आपकी बात करवाता हूँ, साथ साथ लोगों की राय भी जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है परवाज़ फाउंडेशन की जानिब से, और जो फाउंडर हैं इसके प्रवेश कल्याण साहब, वो भी साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे और यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। खांसी आंदी है? खांसी नहीं आंदी। ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो। हाँ जी, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस तरह के पेशेंट आते हैं कैंप के अंदर, तो आप क्या रेफर करते हैं कि हॉस्पिटल जाना चाहिए? ऐसे मरीज जो हैं जी हॉस्पिटलाइज, एक तो इनका मसला ये है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, ठीक है, और ये डिजीज ऐसी है कि ये क्रोनिक डिजीज होती है लॉन्ग टर्म करने वाली, इनको हॉस्पिटलाइज रह के इनको दाखिले की जरूरत होती है। अगर आप फौरी तौर पर असरदार दवाई देंगे तो उससे इनके जिगर को मसला हो सकता है, ठीक है, अभी भी इनके करंटली जिगर में मसला लग रहा है क्योंकि इनके पेट में पानी। जी डॉक्टर साहब, परवाज़ फाउंडेशन में जब फ्री मेडिकल कैंप लगाता है तो इस तरह के पेशेंट तो पहली दफा नजर आ रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट को डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया कि हॉस्पिटल एडमिशन इनका होना चाहिए? जो पेशेंट है ना ये तो हॉस्पिटलाइज ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया होता है जिसमें हमने वक्ती तौर पे पेशेंट को रिलीफ देना होता है, ठीक है, तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसकी कोई तकलीफ का दावा तो करना होता ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसमें जो भी उनका ट्रीटमेंट करेंगे इससे उनको इंशाल्लाह बेहतरी ही आएगी इसमें। बाकी जो इलाज है वो तो उनका ट्रीटमेंट एक परमानेंट चल रहा है, अगर जो एक इलाज होता है जैसे वक्ती तौर पे जो पेशेंट की तकलीफ है उसको रिलीफ करना। जी नाजी, परवाज़ फाउंडेशन के जो टीम है सीनियर डॉक्टर्स हैं वो आज यहाँ पर मौजूद है भागो वाली गाँव, जो कि ज़िला ननकाना का इलाका है। और इस गाँव में इन्होंने आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया, और एक स्कूल प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर भागो वाली गाँव के अंदर, और यहाँ पर लोगों को फ्री जो मेडिसिन दी गई और चेकअप भी फ्री किया गया। आज पूछते हैं कि किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर है। जी पहले तो डॉक्टर मनान साहब आप बताइएगा कि किस तरह का पेशेंट आ जाया है यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से जी। आज का जो कैंप था ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त रहा, वेरी गुड नंबर ऑफ पेशेंट थे यहाँ पे, और यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव थे, और जो मैंने पेशेंट चेक किए हैं आज के दिन में वहाँ, आज जो ज़्यादातर नंबर ऑफ पेशेंट थे वो थे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के, आर्थराइटिस के ओल्ड एज पेशेंट थे जिनको जो है ना वीकनेस, फटीग और जो मल्टीपल डिजीज़ का सामना था वो बेचारे सफ़र कर रहे थे। आजकल चूँकि वायरल है इन्फेक्शन और फीवर के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट ही मैंने आज देखे हैं जो कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से काफ़ी उनको प्रॉब्लम थी। कि आज का पेशेंट कैसा है? जी जैसा कि डॉक्टर मनान साहब ने बताया, मोस्टली कि जो आज में पेशेंट रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ हैं, मोस्टली ये दही इलाका है, इसमें इन्फेक्शन जो है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसमें यह है कि जो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आए हैं वो इन्हीं इन्फेक्शन को लेके आए हैं, और ये वो लोग हैं, ये वो पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल भी अपना मेडिसिन जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी रसाई गवर्नमेंट हॉस्पिटलों तक नहीं होती, क्योंकि दही इलाकों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो भी दूर दूर है। हमारे आने से यहाँ परवाज़ फाउंडेशन की जानिब से इनको ये फ़ायदा हुआ है कि इनको मेडिसिन अच्छी मिली है ताकि ये अपनी सेहत की तरफ जो है ना वो जल्दी आ सके। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज एक पेशेंट देखा गया कि बड़ा क्रिटिकल पेशेंट था, जिनके दिमाग का कोई इशू आ रहा था, तो वो आपके पास आए, तो किस तरह डील किया आज? जी पेशेंट को माशाल्लाह से काफ़ी यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, मगर स्पेशली आज जो पेशेंट मैंने वो स्पेशल देखा ना, वो उसको रेशे का मसला था थोड़ा, उसका वो किसी डॉक्टर को यहाँ पे लोकली चेक करवाया हुआ था उन्होंने,
वो चाह रहे थे कि कोई सिटी स्कैन वगैरह एडवाइस किया जाए, मगर हमने उनको मेडिसिन भी एडवाइस किया है, सिटी स्कैन एडवाइस किया है, और उसके अलावा हमारे पास आज एक पेशेंट एक और फोटो हुआ जो एसआईटी था। देखो काफ़ी बेचारी अम्मा जी जो ना वो काफ़ी एजिड भी थी और काफ़ी तकलीफ में थी, और आपको पता है ऐसे पेशेंट को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो वैसे हमने जो ना एसएसपी जो ना उसका वो ट्रीटमेंट किसी कैंप में किया ताकि उसकी फर्दर जो तकलीफ है वो तो रिलीज हो। तो बाकी प्रभात फाउंडेशन के साथ हम पहले भी चलते रहे और चलते आ रहे हैं। प्रभात फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं परवेज अख्तर कल्याण साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो ये उन्हीं के तावन से सारा कुछ हो रहा होता है और हम उनके साथ हैं। और आज देखा गया कि एक बच्चा जो दोस्त है हमारा, सीनियर्स आप सारे हैं लेकिन ये लड़का भी आज हमारे साथ है, ये भी आपके रेफरेंस से आज नया ग्रुप में आया है। तो भाई क्या नाम है आपका, किस तरह के आज तासरात मिले आपको? सर माय नेम तैयब है। ठीक है सर, तो आज मैं यहाँ फर्स्ट टाइम, मेरा कैंप हुआ है, डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझे इनवाइट किया था, तो इनके कहने पर मैं आज फाउंडेशन की तरफ से आज आया था। तो सर यहाँ पे यही देखा गया पेशेंट ऐसे हैं डेफिशिएंसी विटामिन डी के, डेफिशिएंसी के पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, और उसके अलावा ऐसे पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बुखार वगैरह के मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, तो उनको यही मेडिसिन अच्छी प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा डॉक्टर ने साहब हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। जी प्रेसित कल्याण साहब, आप फाउंडर हैं प्रभास फाउंडेशन के, किस तरह लग रहा है आज की आपकी टीम बढ़ती जा रही है और इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रही है? मैं साजिद साहब सबसे पहले तो आपका भी मशकूर हूँ कि आप बगैर किसी लालच के हमारे साथ चलते हैं और हम सारी मिलजुल के काम कर रहे हैं। खासकर डॉक्टर वाहिद साहब, जब हम इधर आए हैं मेडिसिन उतारनी थी, डॉक्टर वाहिद साहब कहते नहीं मैं उठाता हूँ बच्चों को फिर बुलाना है। तो ये देखिए हमारे अंदर जो सबके अंदर है ना एक जज्बा है, और मैं आज एक अच्छी बात करूँगा और सच्ची बात करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, डॉक्टर मनान साहब, डॉक्टर वाहिद साहब और अभी ये बेटा भी हमारे साथ शामिल हो गया, हमें इस काम से, इस कैंप से लगन नहीं, हमें इश्क हो गया। इश्क बड़े बड़े होते हैं लेकिन ये हमारा इश्क जो है ना बहुत आला किस्म का है कि हम अपने गरीबों की, अपने लोगों की, इंसानियत की खिदमत करेंगे और वो करते रहेंगे। और ये 8 दिन पहले मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद हुसैन को डेंगू हो गया, किसी बदतमीज मच्छर ने काट लिया है। तो इनकी 4-5 दिन 6 दिन पहले इनकी बड़ी हालत नाजुक थी, आपको भी पता है, आप भी गए थे घर के पता लेके आए थे। तो डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि सब आप ना कैंप पे ना आए, तो इन्होंने आपके सामने की बात है कितने जज्बे से कहा नहीं जी मैं आऊँगा। और आज देखें कि डेंगू हो जाए तो बंदा 15 दिन 20 दिन उठता नहीं है, ये अल्लाह तआला की रहमतें हैं, वो बिल्कुल बहुत जल्दी अप्रूव हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला हमें इसी तरह इस काफिले को लेके चलता रहे, चलाए हमें और हमारे ऊपर अपनी मेहरबानी नाज़िल करे।